बोर्ड एग्जाम में आप कितनी भी तैयारी कर लें, लेकिन जब तक आप अपने एग्जाम की कॉपी को सही तरीके से नहीं लिखते हैं, एग्जामिनर के माइंडसेट को नहीं समझ पाते हैं, एग्जामिनर आपसे नोटबुक में क्या क्या स्किल्स की डिमांड करता है, किस बेसिस पर आपकी वह कॉपी चेक करता है और क्या क्या चीजें देख करके वह आपको ज्यादा से ज्यादा स्कोर देता है, इस बात को भी समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। सबसे पहले जान लीजिए, बहुत सारे बच्चों के मन में कई तरह के डाउट आते हैं। बहुत सारे बच्चे हमें कमेंट में लिखते हैं कि सर, बोर्ड एग्जाम में सिर्फ आंसर की लेंथ देखी जाती है, कॉपी भरना होता है, ये सारी जो आपके दिमाग में चीजें चल रही हैं ये पूरी तरह से गलत हैं, आपको इनसे बचना चाहिए और इन निगेटिव क्वालिटीज को ना लाते हुए आपको इस पर काम करना चाहिए कि एग्जामिनर को आप कैसे इंप्रेस करें और उसे किस तरह से आप मजबूर करें कि आपको वह फुल से फुल मार्क्स दे, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आपको दे। तो आपको भी बोर्ड एग्जामिनर के माइंडसेट को समझना होगा, उसकी रिक्वायरमेंट को समझना होगा। अगर आप उसको फुलफिल करते हैं तो आप निश्चित रूप से बोर्ड के पेपर को पूरी तरह से फोड़ने वाले हो और बोर्ड के पेपर में पूरी तरह से आप छाने वाले हो। आज हम बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण चीज की, और वह है आपकी बोर्ड एग्जाम की कॉपी। सबसे पहले जान लीजिए, जब भी आपको कॉपी मिले तो अब आपको यह सोच लेना है कि अब आपका वह समय है जो कि आपको 3 घंटे के अंदर यानी 180 मिनट के अंदर आपको अब अपने आप को दिखा देना है कि आप सबसे बेस्ट हैं, आप में कितना हौसला है, कितना आप में जज्बा है और किस तरह से अपनी कॉपी को आप लिखने वाले हो। सबसे पहले जो भी डिटेल्स आपसे पूछी गई है, नाम, सब्जेक्ट कोड, ये सारी चीजें आप भरिए। डिटेल्स भरने के बाद जैसे ही आप डिटेल्स भर लोगे, इसके बाद आपको एक काम करना है कि आपको जो 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है उस टाइम का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करिए। सबसे पहला टास्क करिए कि 15 मिनट के अंदर पूरे पेपर का एक फ्रेम बना लीजिए कि आपको कौन सा क्वेश्चन कब अटेम्प्ट करना है, किस तरह से आप शुरुआत करने वाले हो, कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको बेस्ट से बेस्ट आता है, वहीं से आपको शुरुआत करनी है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको बस ये देखना है कि जिस क्वेश्चन की भी स्टार्टिंग आपको सबसे बेहतरीन आती है वहीं से पेपर को स्टार्ट करिए, क्योंकि एग्जाम में आपके जो 4 से 5 पेज होते हैं वह एग्जामिनर के माइंडसेट को क्रिएट करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। अगर आपने इन 4 से 5 पेजों में स्टार्टिंग के पेजेस में एग्जामिनर की नजर में अपनी एक इमेज बना ली कि आप एक डेडिकेटेड, एक बहुत ही ब्राइट, एक बहुत ही टैलेंटेड स्टूडेंट हो और आपने अपने आंसर को बेस्ट से बेस्ट लिखने का प्रयास किया है, सिर्फ ये क्वालिटी अगर एग्जामिनर देख लेता है तो आपकी कॉपी चेकिंग बहुत ईजी हो जाती है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हमारी हैंडराइटिंग खराब है, हम हैंडराइटिंग हमारी अच्छी नहीं है, हम लिख नहीं पाते हैं, कहाँ से स्टार्ट करें। देखिए, हैंडराइटिंग अगर आपकी गलत है, अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो आपको बहुत ज़्यादा घबराना नहीं है। आप सिर्फ बोर्ड एग्जाम में 2 काम करिए, नीटनेस एंड क्लीननेस। अगर आपने अपनी कॉपी को नीट एंड क्लीन रखा है तो बोर्ड एग्जाम में आपको कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। आपको ये ध्यान देना है कि जब भी आंसर लिखें तो कट पीट करने से बचें, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इरिटेटिंग चीज होती है। अगर आपने कोई आंसर लिखा, कोई वर्ड आपसे बाय मिस्टेक गलत हो गया, तो आपको एक सिंपल सा कट लगा करके आगे बढ़ जाना है, ये नहीं कि उसको पूरा कवर करने का प्रयास करिएगा, ये चीजें आपको नहीं करनी है। अब बात आती है कि जब आप पेपर को लिख रहे हैं तो पेपर को प्रेजेंट कैसे करें। देखिए, सबसे पहले अगर आपका पेपर सेक्शन वाइज है तो कॉपी के टॉप पे फर्स्ट पेज पे आपको सेक्शन का नेम लिखना है, जैसे सेक्शन ए, खंड क, खंड ख, जो भी आपका सेक्शन चल रहा है उस सेक्शन को टॉप पर मेंशन करिए, उसे वहां पर अंडरलाइन करिए स्केल की हेल्प से, ब्लैक पेन की हेल्प से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर को, जो आपको लाइनिंग बनी होती है उसमें क्वेश्चन नंबर आप डालिए और आंसर। ये करने के बाद आपको कम से कम मेंशन करना है, ये नहीं कि आप कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो, आपने मेंशन ही नहीं किया तो यहां पर आपके नंबर कट जाएंगे। तो आप कम से कम एग्जामिनर को ये बताइए कि कौन से क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर रहे हो, किस क्वेश्चन का आप आंसर लिख रहे हो, जिससे कि एग्जामिनर को यही दिक्कत ना हो कि आप कौन से क्वेश्चन का आंसर लिखना चाहते हो, क्या उसे बताना चाहते हो, उसे सारी चीजें क्लियर हो। और कोशिश करें कि पेपर को सीक्वेंस वाइज अटेम्प्ट करें। देखिए, बोर्ड एग्जाम में सबसे बड़ा जो टॉपर्स गलती नहीं करते वो यही करते हैं कि बोर्ड एग्जाम में एग्जामिनर को अपनी कॉपी पर ज्यादा समय नहीं देने देते हैं। अगर आपने एग्जामिनर को ज्यादा समय देने का काम कर दिया तो आपके नंबर वहीं से कटना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि एग्जामिनर फिर आपकी एक एक चीज को बहुत बारीक नजर से देखेगा। लेकिन अगर आपने बहुत सही तरीके से, बहुत इजीली वे में कॉपी को नीट एंड क्लीन रखा है, अच्छे से रिप्रेजेंट किया है, तो आपको दिक्कत यहां पर नहीं होगी।
और बहुत सारे बच्चे आपको अलग अलग सलाह देंगे। दो तीन गलतियां मैं आपको बता देता हूं, जैसे बोर्ड एग्जाम में अगर आपने तैयारी नहीं की है तो आप कोई भी गलत काम करने से बचिएगा। बोर्ड एग्जाम की कॉपी में बहुत सारे बच्चे पैसे रख देते हैं, इमोशनल बातें रख देते हैं, ये सब करने से बचिए। इसका कोई भी फायदा होने वाला नहीं है। आपको मार्क्स तभी मिलेंगे जब आप बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे और बोर्ड एग्जाम की मार्किंग स्कीम के हिसाब से ही आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। इमोशनल बातें लिखने से, पैसे रखने से, इन सब चीजों से कुछ होने वाला नहीं है। इसके अलावा ये हो सकता है कि आपको बोर्ड एग्जाम से डिबार कर दिया जाए, आप बोर्ड परीक्षा 2 से 3 सालों में न दे पाए, तो इसलिए इन चीजों से जरूर बचिएगा। अब बात आती है कि सर बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे आपको पेपर में देखिए इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं, आपको ये लिखा जाता है कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, जहां पर ऑप्शंस हैं वहां पर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। मैं बार बार कह रहा हूं पूरे के पूरे पेपर को अटेम्प्ट करिए। 100 में से 100 क्वेश्चन अगर आपको 100 में से 100 मार्क्स का पेपर अगर आपका है तो 100 मार्क्स के पेपर को अटेम्प्ट करिएगा। ये नहीं कि मुझे जिसका आंसर आता है सिर्फ मैं वही लिखूंगा, नहीं। अगर आपको कोई क्वेश्चन आपने पढ़ा नहीं, आपको उसका आंसर आ रहा है, रुकिए, पॉज लीजिए, 2 से 3 बार क्वेश्चन को पढ़िए और सबसे पहले ये चेक करिए कि ये क्वेश्चन किस चैप्टर का है, क्या आपको इससे रिलेटेड कुछ आता है। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी आता है तो आप आंसर को जरूर अटेम्प्ट करें, वहां पर भी आपको मार्क्स मिलते हैं और यही 1-2 मार्क्स के डिफरेंस से आप टॉप करते हो, यही 1-2 मार्क्स के डिफरेंस से आप फेल हो जाते हो। तो आपको किसी भी क्वेश्चन को अनअटेम्प्ट नहीं करना है। अगर आप अनअटेम्प्ट कर रहे हो तो ये अगर मैं माना जाए बोर्ड एग्जाम के लिए तो ये आपके लिए क्रिमिनल ऑफेंस हो जाएगा। तो आपको यहां पर ये काम नहीं करना। बोर्ड एग्जाम के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं सारे क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करिए, एक एक करके उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन का आंसर लिखिए। कोशिश करें कि आप सीक्वेंस वाइज आंसर लिखते जाएं। ये सारी चीजें अगर आप करते हो तो बोर्ड एग्जामिनर यह देखता है कि आपने कॉपी को किस तरह से प्रेजेंट किया है, अपना बेस्ट देने का प्रयास किया है। अब बात आती है कि जब एक क्वेश्चन कर ले तो उसके बाद क्या करें। जैसे ही आपने एक क्वेश्चन किया उसके बाद आपको एक सेपरेशन लाइन खींचनी है, फिर थोड़ा सा गैप देना है उस सेपरेशन के लाइन के बाद 2 से 3 लाइन का, फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखना है। प्रॉपरली क्वेश्चन नंबर मेंशन करिए, आंसर नंबर मेंशन करिए, इसी तरह से आप तैयारी करिए और हो सके तो आप मॉडल शीट पर प्रैक्टिस करना शुरू करिए। जैसे कि एग्जाम बोर्ड एग्जाम के लिए जो स्पेसमेंट कॉपीज आती हैं मार्केट में, उन कॉपीज को ले लें। कोशिश करें कि आप उन पर लिखना स्टार्ट कर दें। आप नोटबुक पे लिखते हैं ठीक है, नोट्स बना रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सब चीज, लेकिन बोर्ड एग्जाम के एनवायरमेंट को समझने के लिए आपको 2 काम करना है। टाइमर ले लीजिए, 3 घंटे का टाइमर सेट करिए, 15 मिनट आप जैसे पेपर पढ़ते हो, एक तरह से कोई मॉडल पेपर आप लो, उसे पूरी तरह से सॉल्व करो और बोर्ड एग्जाम के लिए स्पेसमेंट कॉपी 4 से 5 कॉपी आप ले लो, प्रैक्टिस कर डालो, जिससे कि बोर्ड एग्जाम की आंसर शीट का भी आपको आइडिया हो जाए, नंबर ऑफ पेजेस का आपको आइडिया हो जाए, वहां का एनवायरमेंट कैसा रहेगा, इसको अगर आप क्रिएट कर लेते हो तो आप एग्जामिनर से ज्यादा मार्क्स ले सकते हो। बात यह आती है कि आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा हड़बड़ी नहीं दिखानी है, क्वेश्चन को हमेशा पढ़ना है, जो क्वेश्चन नहीं आते उसे 2-3 टाइम रीड करिए, फिर आप आंसर लिखिए। हाँ, ये नहीं कि स्टार्टिंग में आपको पेपर ज्यादा आ रहा है, आप एक्साइटेड हो गए, आंसर लिखना शुरू कर दिया, ये काम मत करिएगा। पहले क्वेश्चन को पढ़िए, अपने आप को काम करिए, पेशेंस रखिए, आपने तैयारी की है तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, और अगर आपने तैयारी नहीं की है तब भी घबराने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। क्वेश्चन को पढ़िएगा, जो आपको आता है, जो आपको उससे रिलेटेड आता है, ऐसा नहीं कि आपको हर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। टॉपर्स के साथ भी ऐसा नहीं होता कि उन्हें हर क्वेश्चन आता है, नहीं, कुछ ना कुछ मिस्टेक वो भी करते हैं, कुछ ना कुछ गलती वो भी करते हैं, लेकिन हाँ, किसी क्वेश्चन को अनअटेम्प्ट नहीं करते। उम्मीद है कि आपको एग्जामिनर किस चीज पर मार्क्स देता है, क्या वो आपकी कॉपी से चाहता है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स होती है, आप सभी इन बातों को समझ पाए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने हर उस दोस्त में शेयर करें जो बोर्ड परीक्षा को टारगेट कर रहा है और जिसका लक्ष्य एग्जाम में एग्जामिनर से फुल मार्क्स लेना है। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।